हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आरडी शर्मा का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 3.3 शुरू की हुई है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। क्वेश्चन है 1/2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5/3 इंटू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3/2, 5/4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3/5, 3 इंटू माइनस 2y इज इक्वल टू 61/60। हमें इसे सब्सटीट्यूशन मेथड की हेल्प से x सोल्व करना है और x और y की जो वैल्यूज है वो फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं। ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमने क्वेश्चन नंबर जो 23 था वो बिल्कुल सेम इसी मेथड से किया था, वैसे ही करना है तो आसानी से कर लेंगे हम। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप है कि हम 1/(x + 2y) को पुट कर देंगे u के बराबर और 1/(3x - 2y) को पुट कर देंगे v के ऊपर। तो पहले सबसे पहले पुट करेंगे हम पुट 1/(x + 2y) इज इक्वल टू यू एंड 1/(3x - 2y) इज इक्वल टू वी। तो ये पुट करके हम इसमें पुट करेंगे, पहले इक्वेशन में पुट करें तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/(x + 2y) की जगह पे क्या लिखना है u, तो यहाँ पे आ गया u प्लस 5/3, 1/(3x - 2y) की जगह पे क्या लिखना है v, तो यहाँ पे आ गया v इज इक्वल टू -3/2। तो अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आ जाएगा, इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को u से मल्टीप्लाई करेंगे 3u प्लस, यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, v इज इक्वल टू -3/2। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 यहाँ पे डिवाइड था तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3u प्लस 10v इज इक्वल टू 3 × 3 - 9। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गया। अब यहाँ से हम किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो u की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो u 3u इज इक्वल टू -9, ये यहाँ पे प्लस का था तो इस साइड जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे आके ये डिवाइड होगा, तो u इज इक्वल टू -9 -10v इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया हमारी u की वैल्यू। अब हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5/4 1/(x + 2y) की जगह पे क्या पुट करना है, u पुट करना है -3/5 1/(3x - 2y) की जगह पे क्या पुट करना है v, तो यहाँ पे आ गया v इज इक्वल टू 1/60 था, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 × 4 = 20 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25u माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12v इज इक्वल टू 61/60। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, तो ये हमारे पास हो गया 25u माइनस 12v इज इक्वल टू 61/3। तो हम यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये u की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। अब तो ये हो जाएगा 25, u की जगह पे क्या पुट करना है -9 -10v/3 -12v इज इक्वल टू 61/3। पहले 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 255, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 225 -25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250v डिवाइडेड बाय 3 -12v इज इक्वल टू 61/3।
इसका अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे वन रख के एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम आ जाएगा 3, ये ऊपर वाली टर्म ऐसी आ जाएगी -225 -250 V, -3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36, V इज इक्वल टू 61/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 225 यहाँ पे माइनस था, तो दिस साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा, +225, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 5 3 8, 286 हो गया, V 286 हो गया, और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 516 268 268, इधर भी हो गया और दिस साइड भी 268, V माइनस में, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो V आया हमारे पास -1। अब V की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, U में पुट करके हम U की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो U कितना था हमारे पास, U था -10 -9 -10 V/3, तो V की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, -1, तो ये हो जाएगी -9 -10 इंटू -1/3, ये हो गया -9 माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें, ये -10 इंटू -10 करेंगे तो ये +10 हो जाएगा -3, ये हो गया 1/3, तो U की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। लेकिन हमें तो बेसिकली x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी, अब ये सिर्फ u और v की वैल्यूज फाइंड आई हैं, तो हमें अब x और y फाइंड करना है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पुट किया था, हमने पुट किया था 1/x + 2y = u, मींस 1/x + 2y = u था, तो u की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, u की वैल्यू आई है हमारे पास 1/3, तो ये हो जाएगा 1/x + 2y = 1/3। u की वैल्यू थी 1/3, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x + 2y = 3, ये होगी हमारे पास, इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। और सेकंड हमने क्या पुट किया था, सेकंड हमने पुट किया था 1/3x - 2y = 1/v, तो ये हो गया हमारे पास 1/3x - 2y = v, की वैल्यू कितनी आई थी, -1, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x - 2y = -1, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें इन दोनों इक्वेशन से फिर से x और y की वैल्यू पुट करनी है, तो वही स्टेप फिर से करेंगे, तो यहाँ से हम किसी यहाँ से हम 2y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2y यहाँ पे माइनस था, तो दिस साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा, +2y हो जाएगा, -1 इधर माइनस था, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x + 1 = 2y। अब ये 2y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ 2y इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में हम 2y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या थी, x + 2y = 3, ये इक्वेशन थी, यहाँ पे 2y की वैल्यू पुट करेंगे, 2y की वैल्यू क्या है, 3x + 1 = 3, x + x 3x + x 4x = यहाँ पे ये प्लस था, तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया 4x = 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 1/2। सिमिलर अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने y की क्या पुट निकाल, पुट वैल्यू ऑफ y पुट करेंगे हम इसमें, तो हमारे पास क्या था, 3x + 1 = 2y के, x की वैल्यू कितनी है, 1/2 + 1 = 2y, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 + 1 = 2y, एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2 = 2y, ये हो गया 5/2 = 2y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बाय
फोर इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5/4, एक्स कितना आया, एक्स आया 1/2, तो एक्स की वैल्यू 1/2 और वाई की वैल्यू 1/4 आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लेंथी था, दो बार करना पड़ रहा हमें स्टेप, एक ही स्टेप को दो बार करना पड़ा इसीलिए थोड़ा लेंथी था ये क्वेश्चन, वैसे आसान था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कोई भी डाउट होगा तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।